गुरुवार दोपहर को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतिम सरकार के नेता चुने जाने के बाद ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर अपने आगमन पर नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने बांग्लादेश का हिस्सा और अराजकता से बचाने की भावुक अपील की। उन्होंने जनता से कहा, यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी होगी कि कहीं भी और किसी पर भी हमला ना हो, हिंसा को रोकना हमारी प्राथमिकता है। इस अपील के दौरान वह अत्यंत भावुक हो गए। ढाका एयरपोर्ट पर यूनुस का स्वागत आर्मी चीफ और छात्र संगठनों ने के नेताओं ने किया। प्रोफेसर यूनुस ने अपने संबोधन में बांग्लादेश को अराजकता से बचाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, हमें पहले देश को हिंसा से बचाना होगा ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ सके जिससे हमारे छात्रों ने दिखाया है। बांग्लादेश एक खूबसूरत देश है जिससे अपार संभावनाएं हैं, हमें एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना होगा। यूनुस ने आंदोलन में योगदान देने वाले युवाओं और छात्रों की सराहना करते हुए इसे बांग्लादेश का दूसरा विजय बताया। उन्होंने कहा, छात्रों और युवाओं द्वारा लाए गए आजादी को हर घर तक पहुंचाना आवश्यक है। यह केवल तभी पूरी तरह से सफल होगा जब हम उनके बिना इसे दूसरा विजय मानेंगे। इस दौरान अबू सईद को श्रद्धांजलि देते हुए यूनुस भावुक हो गए। अबू सईद आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे जाने के बाद पहले छात्रों में से एक था। यूनुस ने कहा, मुझे अबू सईद की बहुत याद आ रही है। उसने पुलिस की गोली के सामने खड़े होकर जो साहस दिखाया, उसने देश को बदल कर रख दिया। गौरतलब है कि छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और भारत में शरण ली। इसके बाद राष्ट्रपति ने कैबिनेट को भंग कर दिया। गुरुवार की रात को प्रोफेसर यूनुस ने पीएम पद की शपथ ली और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और बैंकर ने माइक्रो क्रेडिट बाजार के विकास के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था।